अगर मैं कहूं कि ये टीम इस वर्ल्ड कप के अंदर हर टीम की बाप है तो गलत नहीं होगा, सच होगा। अभी यहां पे स्टूडियो में एक बंदा बैठा हुआ है, इस सामने रिजवान भाई, अब्दुल्ला भाई भी इनके साथ एक और बंदा बैठा हुआ है, रुहेल उनका नाम है, अक्सर लाइव में भी आते हैं। बैठे बैठे उन्होंने बात की, जब कुलदीप यादव ने बटलर को आउट किया उस टाइम पर उन्होंने बात की कि यार ये रिएक्शन है उसका, मैं बता रहा हूं यार, ये इंडिया कैसे वर्ल्ड कप हारेगी मुझे कोई ये बता दो। लिटरली वो ये कह रहा था सर पकड़ के, ये इंडिया कैसे वर्ल्ड कप हारेगी, ये नहीं हार सकते, कोई बहुत ही अनलकी वर्स दिन होगा इंडिया के लिए कि कुछ हो जाए, अदरवाइज इंडिया वर्ल्ड कप हारता नजर नहीं आ रहा। वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं हार रहा, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, मतलब बल्कि वो सबको उन्होंने बता दिया है। क्या बोलिंग है, कोई एक वीक पोल इस टीम का दिखा दे कोई मुझे। आप हंस रहे हो सामने बैठे हुए, मैं लाइव में जाके बहस कर लेंगे ना इसके ऊपर, लाइव में जाके बहस कर लेंगे, इसी में बहस करेंगे वीक पोल के ऊपर, कोई एक वीक पोल इस टीम का बता दो जो दिख जाए, कोई एक वीक पोल नहीं है इस टीम का। यार बैटिंग में आज फ्लॉप हुए तो सामने वाली टीम का क्या हाल करते, 30 पे कोई आउट नहीं था, जसप्रीत बुमराह, उसको हम लाइव बैठे हुए थे, अभी रिजवान भाई से मैं पिछले ओवर कह रहा हूँ लाइव के अंदर, क्या इस ओवर के अंदर तो बुमराह विकेट लेके जाएगा, बुमराह ने विकेट नहीं, बुमराह ने 2 बॉलों में 2 विकेट्स ले ली। आप ये देखें कि ये जो मैच था इसके अंदर इंग्लैंड को सिर्फ और सिर्फ ये प्लेयर जितवा सकते थे, डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक्स और मोइन अली, चारों के चारों तो फेल हो गए। और सबसे ज्यादा गुस्सा आया बेन स्टोक्स के आउट होने पर, शामी क्या बात है, मैं इंडिया की बैटिंग छोड़ दें, आज जिस जो बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने कर दी 87 इस पिच के ऊपर, सल्यूट है भाई रोहित शर्मा, आपको सल्यूट है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है रोहित शर्मा, बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, वो जिस पिच के ऊपर खेल गया है, क्या बात है। आए जरा बॉलिंग के ऊपर, बुमराह, हम बुमराह की तारीफें करते हैं, बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है इसमें कोई शक नहीं है, बुमराह इस हर जगह पे जानते हैं बॉल करना, उसकी ऐसी पक्की लाइन लेंथ है, क्या बात है। शामी यार मतलब के आया बॉलिंग कर रहा है, बेन स्टोक को 3 एक जगह पे बॉल दे के चौथा बॉल वो अंदर लेकर आया और उसने आउट किया है, और बेन स्टोक की शक्ल देखने वाली थी, और बेन स्टोक को भी समझ नहीं आ रही अन्य वहां बल्ला घुमा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, जब जब रोहित बुमराह शामी को लेकर आया, शामी ने तब तब विकेट निकाल के दी है, शामी क्या बॉलर बन गया हुआ है। और जिस पॉइंट पर उसने मोइन अली को आउट किया था, क्या बात है, मतलब के बैक आया, वापिस आया, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती नजर आ रही थी, उम्मीद आई थी, और आते साहब वो आउट करके चला गया, सुपर शामी की क्या बात है। लेकिन जो मैंने आज बॉल देख लिया, अगर मैं कहूं ये बॉल ऑफ द टूर्नामेंट था, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, कुलदीप यादव ने खाली बटलर को शोक नहीं किया, कुलदीप यादव ने पूरे दुनिया को शोक किया कि ठप्पा किधर लग गया, बॉल किधर आया, उन्होंने रिप्ले दिखाया कि ये जो बॉल था ठप्पा लग के यू जाता, लेकिन वो बॉल इतना अंदर आया पूरा क्रॉस मार गया कि ठप्पा ये लग के ये बॉल गया अंदर, क्या बॉल कर दिया, मुझे याद आ गया 2019 का बाबर आजम को जो बॉल किया था, वो भी इतना खतरनाक बॉल नहीं था जितना आज का बॉल उसने खतरनाक करके बटलर को आउट किया ना, क्या बात है। मतलब के आखिर जब जब लगा कि इंग्लैंड जिसको कहते हैं सिचुएशन से आके मैच को ले जाएगी, तब तब इंडिया के बॉलर्स ने सुपर परफॉर्मेंस दिखाई है और इंग्लैंड को पकड़े रखा, इंग्लैंड को, इंग्लैंड के खिलाफ अपनी जो ग्रिप थी उसको मजबूत रखा, इंडिया की बॉलिंग को क्रेडिट जाएगा, सुपर किस्म की बॉलिंग की है इंडिया की बॉलिंग ने, माइंड ब्लोइंग बॉलिंग की है, क्या बात है। अगेन वही बात याद आती है, ये टीम कैसे वर्ल्ड कप हार सकती है कोई मुझे ये बता दे, ये कैसे वर्ल्ड कप हार सकती है टीम, ये वर्ल्ड कप नहीं हार सकती, ये हर अब इंडिया ऑफिशियली क्वालिफाई कर गया है, इंडिया के साथ क्यों लग जाना चाहिए, लग गया होगा क्यों, क्योंकि बाकी इंग्लैंड तो बाहर हो गया, बांग्लादेश भी बाहर हो गया, कोई और टीम है जो 12 पॉइंट्स कर सकती है सिवाय साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और क्या नाम है उसका, इंडिया के, इनके अलावा कोई और टीम कर सकती है, नहीं कर सकती ना, तो यही तो बात है, तो क्यों लग गया हुआ है इंडिया के साथ, इंडिया ऑफिशियली क्वालिफाई ही समझे आप, इंडिया टॉप 4 में या तो टॉप पे रहेगा या तो चौथे पे आएगा, इंडिया बाहर नहीं जाता, इंडिया ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, मुबारकबाद हो। और रोहित शर्मा को मैं दाद दूंगा कि मतलब कि जो उसने आज बल्लेबाजी करती है ना, अगर वो रन ना करता इंग्लैंड शायद ये मैच लेता, लेकिन इंग्लैंड के ऊपर आफरीन है, इंग्लैंड की टीम के ऊपर, इनको पता ही नहीं है खेलना कैसे है, कैसे आउट होके जा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट जाएगा इंडिया की बॉलिंग को,
भाई आप देखिए इस बॉलिंग लाइनअप के अंदर सिवाय सिराज के हर बॉलर ही जान मार रहा होता है, सिराज भी जान मारता है, जब बाकी नहीं चलते तो सिराज चलता है। लेकिन आप ये देखें क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है इंडिया ने, इनके बॉलर कितने मर्जी इनको कम रन दे दो, इनको इतनी काबिलियत के ऊपर अपना यकीन है कि कभी भी डिफेंड कर सकते हैं, यही तो टीम की क्वालिटी होती है। ये टीम सबकी बाप है, इसमें कोई शक नहीं है, ये टीम सबकी बाप है। माइंड ब्लोइंग, सुपर, मजा आ गया। लाइव में आ जा हमारे साथ, जुड़ जा लाइव में। रिजवान भी अब्दुल्ला भी इशारे कर रहे हैं लाइव लाइव लाइव, तो लाइव में आ जा, जरा लाइव शुरू करते हैं।